एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन एक ऐसी पार्टी में चले गए जो कि वहाँ के राजा ने जो है वो बुलाई थी, और वहाँ पे जाके जो सबसे महत्वपूर्ण जो कुर्सी थी वहाँ पे जाके बैठ गए। तो थोड़ी देर में क्या हुआ, दरबान वहाँ पे आया और वो मुल्ला को तो पहचानता नहीं था। तो उसने मुल्ला से पूछा, भाई आप कौन हैं, ये कुर्सी तो सिर्फ VIP लोगों के लिए है। तो मुल्ला ने कहा कि मैं भी VIP हूँ। तो दरबान ने कहा कि क्या आप डिप्लोमेट हैं? तो उसने कहा, नहीं मैं डिप्लोमेट नहीं हूँ, उससे ऊपर हूँ। तो जो दरबान था उसने कहा, अच्छा तो क्या आप मिनिस्टर हैं? तो उसने कहा, नहीं मैं मिनिस्टर भी नहीं हूँ, मैं तो उससे भी ऊपर हूँ। तो दरबान ने कहा, अच्छा तो क्या आप राजा हैं? तो उस पर मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा कि नहीं मैं तो राजा से भी ऊपर हूँ। तो उस पर दरबान ने कहा कि राजा से ऊपर कोई नहीं है। तब जो है मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, अब तुमने मुझे पहचाना, मैं कोई नहीं हूं, आई एम अ नोबडी। दोस्तों ये जो कहानी है ये हमें ये बताती है कि इस दुनिया में हर आदमी के ऊपर कोई ना कोई है। अगर आप देखें तो जो हमारे अधिकारी लोग होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, वो जनता से ऊपर होते हैं, जनता को वो गवर्न करते हैं, उनको एडमिनिस्टर करते हैं, उनके ऊपर शासन चलाते हैं, लेकिन वो हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा क्योंकि उनके ऊपर होते हैं मंत्री। लेकिन अगर आप मंत्री भी बन गए तो ऐसा नहीं कि आप बड़े संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे, क्योंकि आपके ऊपर है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो कि आपको जब चाहे हटा सकता है। और अगर आप प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री भी बन जाएं तो भी जो है आपको हमेशा जो है वो जनता से डर के रहना पड़ता है, क्योंकि जनता जब चाहे आपको वोट ना दे और आपको अपनी सत्ता से बाहर। तो दोस्तों इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि किसी न किसी से डरता ना हो या किसी न किसी से उसको खतरा ना हो। हर आदमी को खतरा रहता है जब तक कि आप इस दुनिया की भाग दौड़ में लगे हुए हैं। दोस्तों ये जो दुनिया है एक रैट रेस जैसी है जिसमें हर आदमी भाग रहा है और एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, और जब तक आप इस रैट रेस में रहेंगे, इस भेड़ चाल में रहेंगे, तब तक आप ये मान के चलें कि आप कभी भी खुशी नहीं पा सकते, कभी भी आप संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि आपसे ऊपर कोई ना कोई जरूर रहेगा। केवल एक ही तरीका है जिंदगी में सुख पाने का, खुश रहने का, और वो ये है कि इस भेड़ चाल से आप दूर जाएं। क्योंकि अगर आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इस रैट रेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो इस बात की कोई संभावना नहीं है कि आप हारें, और अगर आप हारते नहीं हैं तो इसका मतलब यह है कि आप जीत गए। अगर आपके पास में इतना कुछ है कि आप उससे अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से चला सकते हैं, तो आप इस दुनिया में सबसे खुश रह सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने को लोगों से कंपेयर ना करें। तो दोस्तों इसलिए तुलना करना छोड़ें और आपके पास जो भी है उसमें खुश रहें, तो आप जिस पोजिशन पर हैं उस पोजिशन पर ज़िंदगी का मजा ले सकते हैं और हर तरीके का आनंद पा सकते हैं।